हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:3। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बोला है, बस बोला है कि टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3, लेकिन एडजेसेंट साइड्स होंगे या फिर अपोजिट साइड्स होंगे। तो यहाँ पर आपको पढ़ते ही समझ जाना है कि ये एडजेसेंट साइड्स का ही रेशियो दिया हुआ है। आप कहेंगे कि सर बोला तो नहीं है। नहीं बोला, लेकिन यदि आप सोचिए अपोजिट साइड्स का रेशियो निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स इधर का भी निकालेगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि यदि यदि 2 सेंटीमीटर ये होगा तो 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, और 2 सेंटीमीटर अपन 2 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1:1 आएगा। तो इसीलिए ये जो है एडजेसेंट साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां मान सकते हैं कि लेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम आर, क्या दिया है रेशियो में? देखिए रेशियो में जो भी दिया रहता है उसमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं। और आप मेरा कोई भी एक वीडियो है कहीं पर, वो आप यदि देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि क्यों उस एक्सेस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, लेट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 5x एंड 3x। ठीक है, हमने मान लिया कि एक 5x है, एक 3x है। मान लीजिए कि ये क्या है, 5x है, और ये क्या है, 3x है। तो यदि ये 5x है तो ये भी 5x होगा, है कि नहीं? बिल्कुल होगा। और यदि 3x ये है तो ये भी 3x होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स। तो हम यह लिख सकते हैं सिंस सिंस दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल सो इसलिए क्या कर सकते हैं कि हम 4 साइड्स को ले सकते हैं। ए भी बराबर ले सकते हैं 5x सेंटीमीटर, या जो भी दिया है 5x यूनिट्स लिख सकते हैं, 5x यूनिट्स। एंड बी सी इज 3x, सी डी इज 5x, एंड ए डी इक्वल टू 3x। अब क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, कहा है कि पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर। यदि पेरीमीटर दिया है 64 सेंटीमीटर, तो हम इनके चारों साइड्स को यदि ऐड कर दें तो उसी को बोलते हैं पेरीमीटर। इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मींस पेरी मींस चारों तरफ। यहाँ पे यदि आप इस वर्ड को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे पेरीमीटर, तो देखेंगे आप पेरी पेरी का मतलब होता है चारों तरफ, मीटर मतलब कि मेजरमेंट। तो चारों तरफ का मेजरमेंट मींस यदि आपका पूछ रहा है पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, इसका मतलब कि इसके चारों तरफ का जो साइड है उसके मेजरमेंट का सम। तो मतलब कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी, या फिर यहाँ थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे तो लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। इट इम्प्लाइज पेरीमीटर होगा वो ए बी प्लस, ए बी मतलब कि 5x प्लस बी सी, बी सी मीन्स 3x प्लस सी डी, सी डी मीन्स 5x प्लस ए डी, ए डी मीन्स 3x। ओके, इन सबको यदि ऐड करेंगे तो ये पेरीमीटर के बराबर होगा 64 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर में, इसीलिए एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी, खैर एक्स की वैल्यू तो निकलेगी वो तो सिंपल सेंटीमीटर में निकलेगा, राइट? तो देखिए 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और 5x प्लस 3x 8x, 8x 16 हो जाएगा, मतलब 16x हो जाएगा एक्चुअली। ओके, 16x इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 64/16, 16 4 = 64, मीन्स x की वैल्यू 4 आ गया। अब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब की ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिख सकते हैं कि हैंस साइड्स ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या करना है, r डायरेक्ट ले सकते हैं यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 4,
मतलब कि 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ से आया, 64 सेंटीमीटर में दिया है इसीलिए आया। ठीक है, तो ए भी आ गया। अब निकालना है बी सी, तो बी सी हो जाएगा 3 × 4 मीन्स 12 सेंटीमीटर। और यदि ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो ठीक वही वैल्यू होगी सी डी का, राइट। डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं आपकी इजकल टू सी डी, और इसे क्या लिख सकते हैं इजकल टू ए डी, है कि नहीं। तो आपका यही 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर यही दोनों आएंगे आंसर। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा दूसरा वीडियो बना करके। वैसे दूसरा वीडियो बनाने की मतलब मेरे ख्याल से आसानी पड़ेगी, क्योंकि आसान है क्वेश्चन, आप जानते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।